जब मेरे गेस्ट हाउस पे झाड़ू पोछा करती थी, खाना बनाती थी, वॉलंटियर का नहीं है, जैसे मुझे वो दलदल में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि जब अपने लोग बोलते हैं तब हमें ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन जब अपने बोलते हैं तब हमें घाव उतरता है अंदर, रिश्ता है अंदर जी। दसवीं जो है आपने आपकी आपकी बेटी के साथ में आपने दसवीं पास की। नमस्कार, सुनील पंडित नाम है मेरा, और महिला दिवस पर हर बार की तरह इस बार हम एक विशेष स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं। स्टोरी बड़ी अच्छी होगी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और ये हम इस वीडियो के मार्फत आपसे दावा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप मोटिवेट होंगे, आप आपके मिलने वालों को मोटिवेट करेंगे, और आप इस समाज को मोटिवेट करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करने के लिए प्रयासरत ज़रूर होंगे। और उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए खास कर ये वीडियो होने वाला है जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ बनना चाहते हैं। अभी हमारे साथ में हमने एक ऐसे शख्सियत को ढूंढ निकाला है जो उदयपुर में, मेरे हिसाब से उदयपुर अपडेट्स के लिए एक बेस्ट महिला है, और उनका जो संघर्ष है अपने आप में प्रेरणादायी है। तो अब अभी हमारे साथ में बैठे हैं संतोष कुमारी जी भाटी जी। और मुझे तो आज ये महसूस हो रहा है कि जो उदयपुर अपडेट्स की एक साल पहले हमने जो यात्रा की थी, वो यात्रा किसी न किसी पड़ाव पर, ऐसे पड़ाव पर आके अभी विराम कर रही है कि हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम भी ऐसी महिलाओं के पास में जाएंगे, ऐसे लोगों के पास में जाएंगे जो हमें सिखाएंगे, और आपके मार्फत या हमारे मार्फत तमाम उदयपुर जो है देखेंगे। तो इनके जो हम इनका इनको आज उदयपुर अपडेट्स के चैनल पर क्यों लाए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनकी जो शादी है कम उम्र में हो जाती है, फिर इनकी जो यात्रा है वो घरों में झाड़ू पोछा लगाने से शुरू होती है, फिर जो है इनकी जिम्मेदारियाँ, इनकी जो पेट की भूख है उनके बीच, और माइंड में, इनके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ चलती है कि मुझे कुछ न कुछ बनना है, मुझे कुछ न कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम उम्र में इनके जो पति हैं देहावसान हो गया, वो एक महिला के लिए सबसे बड़ी पीड़ादायक घटना है जो हम शायद हम समझ सकते हैं इस बात को कि जो इस परिवार का मुखिया है उनके जाने के बाद में कैसे संतोष कुमारी जो हमारे बहन हैं उन्होंने इस पूरे अपने आप को संभाला, और अपने आप को संभाल के आज वो एक ऐसे ओहदे पे जाके बैठे हैं कि आप कुछ सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कि सबसे पहले तो आपका अपना परिचय दें, और सबसे पहले ये बताएं कि आप जो यात्रा है कैसे शुरू हुई। मेरा नाम संतोष कुमार भाटी है। मैं एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि पापा नल फिटिंग का काम करते थे, हम तीन बहनें एक भाई हैं, और मम्मी को शुरू से लड़का बहुत पसंद था, लड़का चाहिए था। इस चक्कर में मम्मी ने सोचा कि बेटियाँ एक जिम्मेदारी होती है, इनकी शादी कर दो और फिर जिम्मेदारी से मुक्ति मिले। तो कम उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मैं राजपूत कल्चर से हूँ, पर्दा हमारे, आपको पता है कि पर्दा हमारे रहता है, तो राजपूत कल्चर से होके फिर मैं अपने ससुराल में जाती हूँ, वहाँ पे बाहर नहीं निकलने देते हैं, अंदर ही रखना है, घूंघट निकालना है। मेरी छोटी उम्र में शादी होती है जब मैं 15 साल की थी, मतलब 15 लगने वाली थी, मतलब 2 महीने बाकी थे, पर कर दी गई। मैं जब 6ठी पास थी तब मेरे स्कूल के टीचर भी आए थे कि आप इनकी शादी मत करवाओ, अभी पढ़ने दो, पर मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे शादी करवानी है, एक जिम्मेदारी है, आप मैम समझिए ये वो। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैडम ने कहा ठीक है, वह चलो आप जैसा सही समझें। फिर वह मेरी शादी हो गई, मैं अपने गांव चली गई, ससुराल एक गांव था जो नेगड़िया टोल नाका से आगे नेगड़िया है, वो मेरा ससुराल है जी। वहाँ पे मैं वहाँ थी 12 साल, 1996 में मेरी शादी होती है, तब मैं 15 साल की थी, और फिर इसके बच्चों, मेरे बच्चे हुए, बेटियाँ हुई, फिर 2007 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई,
फिर मैं यहाँ आ गई। छोटा सा एक प्रश्न और, हम वैसे तो बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है और मेरे को नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम ये भी पूछना चाहेंगे कि उनकी डेथ कैसे हुई। हाँ, वो बीमार थे, मलेरिया और पीलिया दोनों साथ में हो गया था। गांव का कल्चर था, उनको बस वहाँ तक सीमित था, कम पढ़े लिखे थे कि दो रोटी कमानी, दो रोटी के जितना पैसा कमाना है, नल फिटिंग करना है, और जो पैसा आता था उससे गुजारा होता था। तो जब बीमारी होती है तब उसके लिए पैसा चाहिए, जब मलेरिया होता है, मलेरिया से पीलिया होता है, फिर वो कंट्रोल नहीं हुआ और उनकी डेथ हुई थी। फिर 12 साल बाद उनकी डेथ हुई। हाँ, मतलब हम दोनों एक साथ 12 साल रहे थे। 12 साल, 2005 में मैं उदयपुर आ चुकी थी, और उदयपुर में मैंने अपनी बेटियों को मैं घरों में झाड़ू पोछा करना है, आपने वो सुना होगा सिंधी डॉक्टर करके, उदयपुर में सिंधी डॉक्टर, मैं उनके घर पर खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, उनकी बेटी के यहाँ झाड़ू पोछा करना। संतोष नगर में रहते हैं, गारियावास में मेरी मम्मी रहते हैं, मैं वहाँ रही थी। फिर 2005 में मैं थोड़े दिन वहाँ रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब एक जो होता है फैमिली, जब हमारा दुख आता है तब फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, वो तो सबके घर घर के काम है, सपोर्ट नहीं करती। तो फिर मैं वहाँ से, मेरे नानी जो अंबाबाई हैं, मेरे लिए एक फरिश्ता है, और मेरे लिए मेरे नाना जी अम्बालाल जी, पंडित अम्बालाल जी शर्मा एक फरिश्ता है जी। तो मेरे लिए मैं ये कहती हूँ कि भगवान ने उनको मेरे लिए ही बनाया होगा शायद, इसीलिए फिर वो आए और मुझे लेके आए, और फिर मैं यहाँ आई। देवाली में मैंने ग्रूम किराया लिया, और यहाँ मैं अपने बेटियों का ग्रूम किराया भी देना, बेटियों को भी रखना, ये सारा काम कर रही थी। इस बीच में हस्बैंड की डेथ होती है, और फिर मैं पूरी तरह से टूट जाती हूँ, कि लगता है कि मैं एक राजपूत कल्चर से हूँ, अब लोग मुझे क्या बोलेंगे। मैं छोटी उम्र थी, मैं 26 साल की थी, मेरे पास में 3 बेटियाँ थी और उनको रखना था, मगर एक बेटी मेरे भाई ने गोद ले ली थी कि इसको मैं रखूँगा, तू अपनी 2 बेटियों का रख। तो उन्होंने कानूनी तौर पर गोद ली थी, तो मेरे पास 2 बेटियाँ थी और मैं उनका कर रही थी। और इस बीच में इसके पापा की डेथ हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि लोग मुझे पता नहीं किस नज़र से देखेंगे, मैं काम करूंगी, मैं कुछ पहन नहीं सकती, मैं कुछ ओढ़ नहीं सकती, वो सारे दिमाग में, मैं छोटी उम्र थी, शायद मेरा दिमाग भी बहुत छोटा था, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, कि इस जमाने में अब आगे बढ़ चुका है, 21वीं सदी चल रही है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी सोच वहाँ तक सीमित थी, क्योंकि मैं गाँव में चली गई थी, मेरा ससुराल गाँव था, तो मेरी सोच वहाँ तक ही हो गई थी कि विधवा हो गई है, उसे बिना कोर के कपड़े पहना दो, सारी चीज़ें उतरवा दो, और वो कुछ नहीं कर सकती, और उसका मुंह नहीं देखा जाता, और वहाँ तक मेरी सीमित हो चुकी थी। फिर मैं उदयपुर रह रही थी, तो मैं यही चीज़ें सोच रही थी। इसी बीच में मैं सेवा मंदिर में काम भी करती थी, तो वहाँ पर एक प्रीति शक्तावत करके मैम हैं, और सुनीता प्रीति शक्तावत मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके शिष्य इस लेवल पे हैं कि उदयपुर अपडेट्स को आज यहाँ आना पड़ा, तो आप इस बात का फख्र कर सकते हैं जी। तो उन्होंने, जैसे मैं रो रही थी, तो उन्होंने देखा कि आप संतोष क्यों रो रही हो, तुम चलो गेस्ट हाउस में आती हूँ। जब मेरे गेस्ट हाउस पे झाड़ू पोछा करती थी, खाना बनाती थी वॉलंटियर का, जो अमेरिका से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए मैं खाना बनाती थी और उनके लिए कपड़े भी धोती थी और झाड़ू पोछा भी करती थी। तो फिर वो आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैं रो ही रही थी। पहले बोले तू आराम से रो ले, फिर आराम से मुझे सारी बात बताना, आराम से रो के निवृत्त हो जाओ। हाँ, तो फिर पूछा गया कि क्या हुआ, मैंने सारी बात बताई। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि तुम इकलौती हो या तुम्हारे साथ अकेले के साथ हुआ है ऐसा। अब तुम ये चीज़ छोड़ो और ये सोचो, मेरी बेटियां हैं और उनको मुझे बड़ा करना है, उनको मुझे पालना है, और मेरे लिए भी मेरा पेट भरना है, ये सोचो, बाकी सारी चीज़ें तुम भूल जाओ। बिल्कुल। तो फिर मुझे मेरे नानी सा ने, प्रीति मैम ने, सुनीता मैडम ने, और एक शैलेंद्र मैडम करके, उनके घर पे भी मैं काम करती थी, जैन हाउस जो चंदा आचलिया है, उनके यहाँ पर मैं खाना बनाती थी दिवाली में। तो सब ने मुझे बुलाया कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर लो, अब पढ़ना चाहिए, और फिर कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि पढ़ना है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस समाज में अगर कम उम्र की महिलाएं हैं और वो विडो हैं, तो वो सेफ नहीं है,
बोला जाता है लेडीज फर्स्ट, लेडीज की इज्जत करो, महिला दिवस पे आप बहुत तारीफें करेंगे लोग बार। सार्वजनिक तौर पे बोला जाता है, बोला जाता है और बहुत झंडे गाड़े जाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन पीछे की तरफ अगर पर्दे में रख के वो पीछे देखते हैं तो वो सारी चीजें बस वो बोलने में ही लगता है। तो वो मैं इन चीजों से बहुत परेशान हो गई थी कि हमेशा काम छोड़ना। एक घटना जिसने आपको बिल्कुल झकझोर दिया कि अब मुझे आगे बढ़ना ही है, जिससे एक ऐसी घटना, ऐसी ऐसा वाक्य कि भाई आपको लगा हो कि अब मैं ये झाड़ू पोछे का काम अब मैं अब नहीं कर सकती, किस दिन लगा आपको? मुझे जब लगा था कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, मैं एक जगह काम करती थी, एरिया भी नहीं बताऊंगी, काम करती थी और उनकी वाइफ टीचर थे, वो चले गए थे, तो मैं उनसे बहुत परेशान हो गई थी इनडायरेक्टली, मतलब वो पहले टोन में और फिर थोड़ा ऐसे हो, फिर मुझे वो काम अर्जेंट में छोड़ना पड़ा कि मुझे लगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती। फिर मैं घर पर आई और मैंने बहुत रोई और मुझे लगा कि इस नौकरी में मुझे हर जगह खतरा है, मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, कमा लूँगी, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे मुझे वो दलदल में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ना है और दलदल में नहीं जाना है, क्योंकि वो चीज़ एक ऐसी थी, मेरी एक मजबूरी थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और इस मजबूरी को कोई समझ नहीं रहा और इस मजबूरी को समझ नहीं रहा बिल्कुल। तो मेरे नानी का बहुत सपोर्ट रहा और दूसरों का सपोर्ट रहा। एक चीज़ और बोलूँगी कि जब अपने लोग बोलते हैं तब हमें ठेस नहीं पहुँचती, लेकिन जब अपने बोलते हैं तब हमें घाव उतरता है अंदर, रिश्ता है अंदर जी, बहुत ज़्यादा लगता है। कि मेरे पापा ने बोला था कि क्या उदयपुर में रहेगी, क्या कमाएगी, क्या खाएगी, क्या करके दिखाएगी, और क्या बच्चों के सब कुछ हो जाएगा, बच्चों की शादी वगैरह सब कर लोगी? तो मैंने कहा हाँ, मैं सब करके दिखाऊंगी। और आज मैं इस जगह हूँ कि शायद पापा भी कहीं ना कहीं ये बोल रहे होंगे कि सही किया, सही किया। एक सिचुएशन ये आती है कि जैसे आपने सिक्स क्लास से आपने आपका जो करियर था वो एक ब्रेक हो गया, फिर उस दरमियान आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर आपने पढ़ाई शुरू की, तो कैसे किस किस क्लास में आप गए और कैसे कैसे आपने उसको क्या रेगुलर किया? और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि दसवीं जो है आपने आपकी आपकी बेटी के साथ में आपने दसवीं पास की है, इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग किया था 12 साल बाद। अच्छा, तो यानी कि पढ़ाई के बीच में 12 साल बहुत लंबा गैप होता है, बच्चा अगर एक दो साल नहीं जाता है तो भूल जाता है, मेरे लिए 12 साल बहुत है। 12 साल के बीच में ये रहा था मेरा घूंघट, एक गांव, वहीं सीमित, वो सब कुछ रहा था। तो मैं सब कुछ मेरे ब्लैक हो चुका था मेरे माइंड में कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तो 12 साल बाद में मैंने जैसे किताब हाथ में ली तो मैं आज भी हंसती हूँ, मैंने जोड़ स्टार्ट की थी तो उल्टी करी थी कि मुझे आ ही नहीं रहा था जोड़ कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जोड़ सीखी, गुणे सीखे, आप यकीन नहीं करेंगे, जब 8 बोर था और मेरे मकान मालिक थे उनसे मैंने थोड़ी हेल्प ली कि मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो मैंने अपने दिल लगा के और पूरे जुनून के साथ में मैंने पढ़ाई की। तो पढ़ाई का टाइमिंग क्या रहता था? पढ़ाई का टाइमिंग मेरा रात का रहता था 10 बजे से, 10 बजे से 3 बजे तक का। अच्छा, नींद बीच में नींद आती थी, चाय कॉफी पीती थी, मुंह धोती थी। जब हम पे एक जुनून रहता है ना तब नींद भी नहीं आती। मैं आपको दिल से एक बात बोलूं जी, मैं अभी रिसेंटली मैं भी एक बड़ी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं जी, और मैं कितना भी जुनूनी हूं और मुझे पता है कि मैं जो भी काम करता हूं बड़ी ईमानदारी से करता हूं, लेकिन फिर भी जो मैं रात को बैठता हूँ ना, एक सिचुएशन ऐसी आती है 11 या 12 बजे के आसपास, मुझे 12 बजे के आसपास ये आती है कि क्योंकि दिन भर की थकान होती है, माइंड उसी में रहता है, 12 बजे के बाद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती। वो इसलिए नहीं होती ना सर, क्योंकि आपके पास वो ताने नहीं होते। ठीक है, पहला जवाब तो आपका ये है कि ताने नहीं होते अपनों के,
दूसरा ये है कि आपको ये है कि मुझे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ा, दो घंटे पढ़ लिया मैंने, बोलते हैं एक एक हमारा ये सोच भी हो जाता है, हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आज नहीं, ये अगर हमने क्लियर नहीं भी किया तो भी कल क्या फर्क पड़ जाएगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, दिन को कर लूंगा, आपके पास ये था दिन को कर लूंगा, पर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास था समय घट रहा है, घट रहा है और मुझे सुबह एग्जाम देने जाना है। सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी रात, हिंदी का फर्स्ट पेपर था मेरे 8th का, मुझे आज भी याद है, पूरी रात मैंने एक दिन में वो किताब कंप्लीट करके हिंदी का पेपर देने गई हूँ और मैं पास हुई। मतलब ये वीडियो करने का सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ही होगा कि कम से कम अगर मैं गलती से पढ़ रहा होऊंगा और मैं बोलूंगा चलो चलो रहने दो यार दो घंटे बाद पढ़ेंगे, तो मुझे संतोष जो हमारी दीदी हैं उनकी याद आएगी कि नहीं यार कम से कम इंटरव्यू जिसके साथ में बैठे हैं कम से कम उसका तो थोड़ा सीख लिया जाए। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दिल से कि एक वास्तव में पढ़ाई जो है, बाबूजी अजय चतुर सिंह जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मेवाड़ के सबसे बड़े संत हुए हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली उनकी एक जो किताब है बालकारी पोथी, अच्छा। वो अभी नए संस्करण में मार्केट में आई है और सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो वो बाबूजी जैसे कक्को केवल्यो, खक्का घोरी खाए, गग्गा गटूल्यो, ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे बाबूजी अजय चतुर सिंह जी महाराज ने। उस वक्त पढ़ाई की एक बात कही थी, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बाबूजी ने कहा कि पगे पंगर की गांवरी और ऊंची धोती पैर, पगे पंगर की गांवरी और ऊंची धोती पैर और कांधे ज्ञान पछेवड़ी चतत चमक चहू फेर। ज्ञान वो चीज है कि आपके जो मतलब कंधे पे पड़ी हुई वो पछेवड़ी है कि आप उसको धारण करके कहीं पे भी चमक सकते हो, जैसे आप चमके हो जी। आपके आज ये जो वर्दी है, आज वर्दी का कितना आपको फील होता होगा जब आप निकलते हो, बहुत अच्छा होता होगा। आप पहली बार जब इस वर्दी को धारण किया होगा तो क्या फील, कब वो आप वो पल आया? अब हम उस पल पर जाना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई की, इतने साल संघर्ष किया जी जी, अब हमें आप ये बताइए कि वो संघर्ष का मुकाम कब आया कि वो संघर्ष साधना में तब्दील हुआ जी। मैंने सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या मैं वर्दीधारी रहूंगी, मैंने नहीं सोचा था। मुझे पढ़ना था और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते थे मैंने लास्ट डेट पे ये फॉर्म भरा था वन विभाग का, लास्ट डेट पे भरा था और मैं सिर्फ एग्जाम देके आई और मेरे माइंड में ये था कि बहुत पढ़ने वाले होते हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उन सबके रह जाते हैं, कोई कहता है एक नंबर से रह गया, कोई कहता है ये, तो मेरा क्या होगा। तो मैंने ना तो रिजल्ट देखा, कुछ भी नहीं देखा और मेरी जॉब लग गई, कॉल लेटर आया घर पे कि आप सिलेक्शन हो गया है, आप पास हो गए हैं फिजिकल। तब आप कहाँ थे? तब मैं काम कर सेवा मंदिर का शाम का काम करके मैं घर जा रही थी, उस बीच में नानी सा का फोन आता है कि बेटा तेरा एक कोई लेटर आया हुआ है, कागज आया, हाँ कागज आया हुआ है। तो मैंने कहा वाह ठीक है मैं भिजवाती हूँ, मैं है क्या, अरे पता नहीं कहीं सरकारी कागज है थारे, आई देख ले। तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँ, गई तो मैं नहीं जा पाई तो मैंने किसी को भेजा, मैंने कहा आप जाके ला दो। तो वो गए लेके आए तो देखा, तो मैं पहले उसको समझ भी नहीं आया था कि मेरे है, तो मैं चार बार उस नाम को देख रही थी कि मेरा है ऐसे करके, उसको संतोष भाटी की जगह संतोष संतोष कुमार का तो नहीं है। हाँ तो सही में मैं हकीकत में मैं मतलब वो मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको, मेरे वर्ड बहुत कम पड़ते हैं वो बताने के लिए कि उस लेटर को मैं बार बार इस तरह से देख रही थी कि मेरा है, ये मेरा है, सच में मेरा सिलेक्शन हो गया। काफी देर तक तो मैं सदमे में रही और फिर मैं उछली कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर नानी सा को बताया कि मैं पास हो गई हूँ, मैंने कहा चलो भाई पास तो हो गए अपन। तो फिर मैंने रिजल्ट देखने की कोशिश की पर वो नेट पे, आपको पता है मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था कि वो दो तीन दिन के लिए ही रहता है फिर बंद कर दी जाती है साइट जो भी रिजल्ट का रहता है वो, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर फिजिकल दिया और ये दिया, तब भी मुझे ये नहीं पता था कि वन विभाग में वर्दी होती है, नहीं पता था सच्ची। वन विभाग में आपकी जॉब है, अभी रिसेंटली आप कहाँ सेवा दे रहे हैं वो भी बता दें ताकि कोई हमारे दर्शक आपसे जाके कम से कम आपको ये तो बोल पाए कि आपकी साधना। वैसे मुझे सब जानते होंगे, मैं मेवाड़ जय विविता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क में बैठती हूँ और ज्यादातर बच्चे जानते होंगे मुझे कि मैं वहीं काम करती हूँ।
तो ये रहा था और मुझे ये नहीं पता था कि वर्दी वन विभाग में वर्दी पहनी जाती है, पहनी जाती है, मुझे नहीं पता था। जब भी मेरी आप सोच रहे होंगे कहीं कलर वगैरह कोई, हाँ मैं नॉर्मल समझ रही थी कि नॉर्मल ड्रेस होगी या पुलिस वाले ही पहनते हैं वर्दी, तो ये था मेरे दिमाग में। लेकिन जब पता चला कि अच्छा, ये मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि ये जो फॉर्म वगैरह कैसे आपने भरा होगा, फिलअप कैसे किया होगा, इसकी शुरुआत जैसे वन विभाग के आपने एग्जाम से पहले फॉर्म वगैरह भरे होंगे ना, जी, जी, तो जी, वो किसके सहयोग से भरा, आपने भरा या कैसे भरा, वो नहीं, जानना नहीं, नहीं नहीं मैंने नहीं भरा, क्योंकि मुझे बताया गया था सेवा मंदिर में एक मनीषा मीनाक्षी मैडम है जो लाइब्रेरी में बैठते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि आज लास्ट डेट है संतोष, ये चाहिए और फॉर्म भर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक लक्षद्वीप मैं पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं पहले खाना भी बनाती थी, तो मैं खाना बनाती थी बच्चों का, तो एक बच्चा था जिसका मैं खाना बनाती थी, लक्षद्वीप सी राठौर, उनका मैं टिफिन बनाती थी। उनके साथ में दो बच्चे और थे हर्षित करके और पुष्कर करके, इनका भी खाना बनाती थी, ये मुझे पैसे देते थे, मैं खाना बनाती थी। उसको मैंने कहा कि मेरा फॉर्म भरना है और मुझे पता नहीं है कैसे भरा जाता है, तो मेरे ये चीज़ें मेरे घर से लेके आ जाना, मैं फतेहपुरा खड़ी हूँ। तो फिर वो लेके आया था और उसी ने भरा था। अच्छा, और वो ही मुझे एग्ज़ाम देने के लिए भी लेके गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता, एक होता है ना महिलाओं को पता नहीं होता कौन सा स्कूल कहाँ है। पहली बार आपने जब आपकी जो ये वर्दी पहनी होगी, आप बता रहे हैं आपकी भाई मेरे को ये पता नहीं था कि ये वर्दी पहनी जाती है, तो वर्दी पहननी आपको कैसे दी गई और फिर आपको क्या आपने पहनी होगी, तो वो वर्दी पहनने के बाद पहला आपका फील क्या, आपने क्या फील किया? मुझे ये नहीं पता था कि वर्दी पहननी है, मैं पहले सलवार सूट में गई थी, पहले राजपूत में गई थी, मेरा जो सूट है वो, तो वो गई थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ये नहीं पहन के आ सकते हैं, सलवार सूट पहन सकते हैं। अच्छा। सलवार सूट पहना, तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे वर्दी पहननी है। तब कुछ दिन निकले और फिर उन्होंने कहा है कि 2 साल तक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रोबेशन पीरियड पे हो आप, तो प्रोबेशन पीरियड, तो 2 साल कुछ नहीं मिलेगा आपको और आपको खुद को खरीदनी पड़ेगी वर्दी, तो ये कहाँ मिलती है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो मैंने पूछा उनको ये कहाँ मिलती है, कि आप सूरजपुर चले जाना, वहाँ पे कपड़ा मिलेगा आपको, जूते मिल जाएंगे आपको, बेच मिल जाएगा, कॉपी टेप केप मिल जाएगी आपके लिए, और सारी चीज़ें वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, फिर मैं वहाँ गई और अपनी वर्दी सिलाई, सिलानी कहाँ है ये भी नहीं पता, तो फिर किसी से पूछा तो उन्होंने कहा टेकरी पे सिलते हैं, फिर टेकरी पे गई वर्दी सिलाई, और जब वर्दी पहनी मैंने तो वो खुशी के ठिकाने नहीं थे। अच्छा, हमारे सूत्र एक ये कहते हैं कि अभी आपको ये जो गणतंत्र दिवस पर आपको एक पुरस्कार भी मिला, जी, मिला। तो अब पुरस्कार किस वजह से मिला आपको, किस वजह से सम्मानित किया गया अच्छे सेवाओं के लिए, जी। अब आप धीरे धीरे पुलिस वाले नहीं उत्कृष्ट पुलिस वाले बन गए, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? सर ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो वही मानती हूँ जो मैं हूँ, तो जमीन से जुड़ा है ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि आपने वो दिन देखे, अगर शायद मेरे पास कोई बड़े ओहदे पर होते तो शायद मेरे को ये नहीं बताते। आपका सर, मैं पहले झाड़ू पोछे करती थी तब भी मैं ऐसी थी, फिर कुछ समय बीता तब भी मैं ऐसी थी, आज मेरे पास नौकरी है तब भी मैं ऐसी हूँ, मुझ में कोई बदलाव नहीं है, जैसे मैं पहले थे वैसे आज हूँ मैं। और मुझे पुरस्कार मिला था 2019 में मिला था, मैंने कुछ नियम बनाए थे अपने पार्क के लिए। अच्छा। वो नियम मेरे बहुत सबको अच्छे लगे थे। पहले नियम था कि पॉलीथीन अंदर लेके जा रहे थे, घूम रहे थे, पॉलीथीन बिखर रही थी, सब जने जाते थे पॉलीथीन लाते थे, पार्क में एक समिति गठित कर रखी है, वो समिति वाले जाते थे रोज सुबह में सारी पॉलीथीन लेके आते, लेकिन वो पॉलीथीन क्या उड़ते हुए कहीं भी चली जाती थी। तो मैंने 2-3 रूल्स बनाए थे, एक तो खाना अंदर नहीं जाने देती थी क्योंकि बंदर खाते हैं और फिर वो उनके लिए अच्छा नहीं है। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जो सपने नहीं देखे थे वो सपने सारे देखे इस जॉब के अंदर। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं वर्दी पहनूंगी, मैंने वर्दी पहनी है। मेरे ट्रेनिंग के दौर पर मैंने वो चीज़ें देखी है
जो मैंने सपने में कोई भी औरत अपने सपने में नहीं देख सकती। मैंने SLR, इंसास, AK-47 पिस्टल और बम और 20 राउंड किए हैं मैंने। अच्छा, तो मैंने वो जब मैंने अपने हाथों में लिए थे तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं मेरे लिए लग रहा था ये हाथ में फूट जाएगा। मेरे लिए शब्द बहुत कम है और मैं बहुत भावुक हो रही हूँ अंदर से। और जब मैं लास्ट टाइम था हमारा ट्रेनिंग का, जब वो तिरंगा, इतना बड़ा तिरंगा मेरे हाथ को छूते हुए निकल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद ये मैं नहीं हूँ, कोई तीसरी है, तीसरा है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि एक वो तिरंगा आकर मुझे टच करके जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। और मैं उस टाइम मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं आगे ऐसा था कि ना तो मैं आंसू पोंछ पा रही थी क्योंकि मैं आगे वाली लाइन में खड़ी थी और वो प्रतिज्ञा चल रही थी हमारी। और वो दौर इतना अच्छा था ना, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, मतलब मेरे लिए वर्ड बहुत कम पड़ रहे हैं। और मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, ये मैं अपने लास्ट शब्दों में बोलूँगी, क्योंकि मेरी बेटियाँ हैं और मेरी बेटियाँ मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा अच्छा, एक मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। इस तरफ जो ये आप ये जो तस्वीर है जी, इसमें कई सारे फोटो हैं जी, इसमें आपकी बेटी, तीन बेटी हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जो संतोष कंवर भाटी जो हैं वो न केवल खुद सशक्त बनी, वो खुद योग्य बनी, साथ में उन्होंने अपनी बेटियों को भी योग्य बनाया और उन्होंने तीन महायज्ञ किए हैं। जी बिल्कुल, अभी शादी की है अपने बेटी। महायज्ञ किए हैं, ये तीनों महायज्ञ है इनके द्वारा किया गया। तो बेटियों को बोझ ना समझें, बेटियों को कहीं कहीं, जैसे मैंने ये स्टोरी अभी सुनी, इनके पास में पढ़ी, तो कहीं कहीं मुझे ये लगा कि यार पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी विचारधारा कहीं कहीं एक लाचार, एक अबला महिलाओं को परेशान करती है, कहीं कहीं एक उनको ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे उनकी आत्मा प्रताड़ित हो, परेशान हो। तो मेरा आप इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि आपके आसपास कोई भी महिला ऐसी हो जो इन हालातों से गुजर रही हो, संघर्षों से गुजर रही हो, तो आपकी तरफ से कुछ न कुछ मदद ज़रूर करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उदयपुर अपडेट्स के इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हम आपके माध्यम से हम सहायता पहुँचाएँगे। तो ये थे अभी आपके सामने जो भी इन्होंने बातें कही, संतोष कुमार जी भाटी, और मैं सुनील पंडित, और कैमरे के पीछे योगेश सुखवाल, और अभी मेरे पीछे एक और बंदे हैं, मांगू भाई वैकुंठ धाम सोसाइटी से। और उदयपुर अपडेट्स को ऐसा ही प्यार, ऐसा ही स्नेह देते रहें, और जन जन की आवाज़ एक दिन उदयपुर अपडेट्स बनेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।